नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आर एस स्टडी ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आए राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे 24 पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग सहित पूरे 50 प्रश्न दिए गए। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के जवाब आपको पहले से ही करने होंगे। और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आज हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, चौथा, छठा, सातवां या आठवां, तो कौन सा स्थान है। इस प्रकार की एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है, यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा तो जाकर देख सकते हैं, जिसमें एक ट्रिक बताई थी रूक चीन अबा भारत। इस प्रकार रूस सबसे बड़ा देश था, उसके बाद में कनाडा, चीन, अमेरिका। इस प्रकार भारत का कौन सा स्थान था, उसमें सातवां स्थान था। तो भारत कौन सा विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य किसने स्थापित किया, ऑगस्टस सीजर, चार्ल्स मैग्ना, जेम्स द्वितीय या जॉन केल्विन। तो किसने स्थापित किया था रोम साम्राज्य, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑगस्टस सीजर ने रोम साम्राज्य की स्थापना की थी। और रोम किस देश में पड़ता है, रोम इटली की राजधानी वर्तमान में, और किस नदी के किनारे, ये पूछा जाए तो रोम आपका टाइबर नदी के किनारे किस नदी के किनारे स्थित है, टाइबर नदी के किनारे स्थित है रोम। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है, दिग्बोई, हल्दिया, कोयली या नुनामती। तो कौन सी है सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, दिग्बोई है। और किस राज्य में स्थित है, तो ये असम में स्थित है। 1930 में प्रसिद्ध दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, आगा का महल, पुणे, राजकोट या पोरबंदर। तो कहाँ से शुरू हुई थी 1930 की प्रसिद्ध दांडी यात्रा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अहमदाबाद के नज़दीक साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। आगा का महल में क्या किया था, एक बार महात्मा गांधी जी को और कस्तूरबा गांधी जी को नज़रबंद किया गया था, जहाँ पर कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु, आगा का महल पुणे में हुई थी। पोरबंदर में 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी, खान अब्दुल कपार का, मौलाना आजाद या मोहम्मद इकबाल। तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता है। किसने कहा आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर या रामप्रसाद बिस्मिल। तो किसने कहा था यह नारा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का था, जिसने कहा था स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, लोकमान्य तिलक ने कहा था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1947, 1950, 1935 या 1925। तो किस वर्ष की गई थी RBI की स्थापना, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 1935 में की गई थी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, साबरमती, ताप्ती, कृष्णा या नर्मदा। तो किस नदी पर है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध। भारत के किस खिलाड़ी को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, कपिल देव, विश्वनाथ आनंद, सचिन तेंदुलकर या PT उषा। तो किस खिलाड़ी को दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, विश्वनाथ आनंद को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। और विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है, तो शतरंज खेल के खिलाड़ी है विश्वनाथ आनंद। पुष्कर मेले का आयोजन किस राज्य में होता है, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। तो किस राज्य में होता है पुष्कर मेले का आयोजन, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, राजस्थान में होता है, राजस्थान के अजमेर जिले में होता है। विश्व में चावल का सबसे अधिक निर्यातक देश कौन सा, चीन, म्यांमार, भारत या ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक चावल का निर्यात करता है, तो निर्यात की बात करें तो कौन करता है, भारत करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नाभा कालियावाड़ा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, गुजरात, असम, हिमाचल प्रदेश या ओडिशा। तो किस राज्य का उत्सव है ये, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ओडिशा का है नाभा कालियावाड़ा उत्सव। चार शेर वाला अशोक स्तंभ कहाँ पर स्थित है, पटना, रांची, सांची या सारनाथ। तो कहाँ पर स्थित है, सारनाथ के अशोक स्तंभ में है, चार शेर अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबुल कहाँ की राजधानी, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश। तो श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, जयवर्धने कोटे है श्रीलंका की राजधानी, भूटान की राजधानी थिम्पू है, बांग्लादेश की ढाका है। तो काबुल किसकी राजधानी होगी, काबुल होगी आपके अफगानिस्तान की राजधानी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर।
नेक्स्ट और जीके का अंतिम क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना 1949, 1950, 1970 या 1975, तो कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों ये थे जीके के आज के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि इनमें से सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? अंडा, दाल, दूध या मूंगफली, तो किस में पाई जाती है? प्रोटीन की बात करें तो दालों में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किस ताप पर पानी भाप, ठोस व तरल अवस्था में पाया जाता है? 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या -1 डिग्री सेल्सियस या सभी ताप पर, तो किस ताप पर पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी भाप, ठोस व तरल अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके में अम्ल की प्रकृति किस कारण होती है? साइट्रिक अम्ल, गंधक अम्ल, सोरेक अम्ल या एसिटिक अम्ल, तो किस कारण होती है सिरके में अम्ल की प्रकृति? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। व्हेल एक क्या है? रेप्टाइल, एम्फीबियन, स्तनधारी या इनमें से कोई नहीं, तो व्हेल क्या होती है? एक स्तनधारी होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिश्रण का उदाहरण है? चीनी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी या हवा, तो कौन सा होगा? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक यौगिक है, दो अलग अलग गैसों से। पानी किससे बनता है? हाइड्रोजन, दो अणु हाइड्रोजन के और दो तत्व हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का मिलकर क्या बनाता है? पानी का निर्माण करता है, एक यौगिक है। परंतु हवा में अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है, तो हवा क्या है? एक मिश्रण का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। किसी तत्व के समस्थानिक आइसोटोप में क्या समान होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इनमें से कोई नहीं, तो क्या समान होता है किसी तत्व के समस्थानिक आइसोटोप में? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, प्रोटोनों की संख्या समान होती है। कार्बन के सबसे शुद्ध रूप को क्या कहा जाता है? हीरा, कोयला, राख या ग्रेफाइट, तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या कहलाता है? हीरा कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पर विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं, तो क्या होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोयला, डीजल, पानी या अणुशक्ति, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, पानी होता है हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा एक अल्पविकसित अंग है? फेफड़े, अपेंडिक्स, हृदय या गुर्दा, तो कौन सा अल्पविकसित है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अपेंडिक्स अल्पविकसित अंग है। आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र कौन सा? पेरीस्कोप, गायरोस्कोप, टेलीस्कोप या बायनाकुलर, तो कौन से यंत्र द्वारा आकाशीय पिंड देखे जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, टेलीस्कोप द्वारा देखे जाते हैं। समतल दर्पण द्वारा पुनः प्रतिबिंब क्या है? आभासी, वास्तविक, काल्पनिक या सीधा, तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण से, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। थर्मामीटर में इस्तेमाल की गई धातु है पानी, अल्कोहल, जिंक या मरकरी, तो थर्मामीटर में क्या इस्तेमाल किया जाता है? पारा या मरकरी इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यहाँ पर भी हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? 350, 332, 330 या 340, तो कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इनमें से कौन सा लाल लिटमस को नीला करता है? अम्ल, सार, नमक या गैस, तो इसके लिए एक पहले भी बार बार एक सूत्र बता चुका हूँ कि जिस ट्रिक से याद रखते हैं वो क्या है? अनिल, ठीक है, अनिल होता है। इसमें क्या होता है, अम्ल क्या करता है? नीले को लाल करता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? लाल को नीला कौन करता है? सार करता है। तो यही पूछा, लाल लिटमस को नीला कौन करता है? लाल को नीला करता है सार, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये थे आज के साइंस के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे मैथ के 15 क्वेश्चन। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 5525 में भाग देना 17 का, ठीक है, और उसका क्या करना, वर्ग करना यानी रूट में लिखना, ठीक है। तो 5525 में 17 का भाग किस प्रकार देंगे? ये है 5525, इसमें भाग देना है 17 का। कितनी बार जाएगा? 17 तीन कितने होते हैं? 51, तीन बार जाएगा। पहले 55 में से 51 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 4, आगे वाला 2 उतार दो, 42। 17 दूने कितने होते हैं? 34, 42 में 34 घटाएंगे, 8, आगे वाले 5 उतार देंगे, 17 5 85, कितनी बार जाएगा? सॉरी दोस्तों, कितनी बार जाएगा? भाग जाएगा आपका 325 बार, ठीक है। 325 का अब हमें क्या लिखना, 325 नहीं लिखना, इसे रूट में लिखेंगे, क्या करेंगे, 325 का वर्ग करके लिख देंगे, ठीक है। तो 325 का वर्ग किस प्रकार करेंगे? वही नियम है कि 325 में इकाई का अंक कितना दिया गया? इकाई का अंक दिया गया 5, तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। और 32 को आगे वाली संख्या कितने से गुणा करना है? 32 को आगे वाली संख्या 33 से गुणा करना है, ठीक है। 33 से गुणा करेंगे, 33 दूने कितने होते हैं? 66 के 6 हासिल भी 6, 33 3 99 और 6 कितने होंगे? 105 होंगे। तो कितना आएगा उत्तर? उत्तर आएगा आपका 105625, 105625, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटी बीन कौन सी होगी? सबसे छोटी बीन देखनी है हमें, तो क्या करेंगे, पहले ये दो उठाएंगे, 7/9 और 4/5, ठीक है, 7/9 उठाई, 4/5 उठाई। अब इन्हें वज़र गुणा करेंगे, 7 को 5 से किया कितना आएगा 35, और 9 को 4 से किया, 9 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएंगे 36। तो यह क्या है, यह बड़ी है, हमें क्या पूछा, छोटी है, तो छोटी अभी तक कौन सी है हमारे पास, इन दो में से 7/9 छोटी है, तो आगे वाली से देखते हैं 7/9। अब इनमें से, इसमें से और इसमें से देखते, इसका खेल ख़त्म हो गया, ये इससे बड़ी है, तो हम इनको किस प्रकार देखेंगे, 7/9 और आगे कौन सी दी गई, 6/7, ठीक है, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 63 आते हैं, और नहीं सॉरी 49 आते हैं, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 आएंगे, 9 को 6 से गुणा करेंगे 54 आएंगे, तो 54 49 ज़्यादा, तो ये भी नहीं होगी, ये भी बड़ी होगी, अभी तक यही है 7/9। अब 7/9 और इस अंतिम वाली 9/13 में देखना, ठीक है, पहली और अंतिम में देखना, 7/9 और ए दिया गया 9/13। अब इनमें 13 को 7 से गुणा करेंगे, 13 सत्ते कितने होते हैं 91 होते हैं, 9 को 9 से गुणा करेंगे 99 81 होते हैं, तो अब यहाँ पर ये 81 छोटा है, तो ये कौन सी होगी, ये छोटी होगी, 9/13 यहाँ पर राइट आंसर होगा, सबसे छोटी बिन कौन सी होगी, 9/13 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 525 में इसका कितना प्रतिशत जोड़ा जाए कि 735 प्राप्त हो, ठीक है, तो इनमें कितने का कितना जोड़ा गया पहले, तो ये देख ले कि 735 प्राप्त करने के लिए जोड़ा कितना गया, 735 में से 525 घटाते तो कितने बचते, 210 बच रहा है, तो ये पूछ रहा है कि 210 525 का कितना प्रतिशत, तो प्रश्न की भाषा को समझो, ठीक है, प्रश्न में ये पूछा गया है कि 525 में कितना प्रतिशत जोड़ा जाए कि 735 प्राप्त हुए, तो 210 जोड़ा जाए ताकि 735 प्राप्त हुए, तो 210 कितना प्रतिशत है, तो क्या करेंगे हम, 210 बटे क्या करेंगे 525, और गुणा प्रतिशत निकालने के लिए किससे करते हैं, गुणा करते हैं हम 100 से, अब काट सकते हैं, ठीक है, 25 से कितनी बार कट रहा है ये, 25 से ये कटेगा 4 बार, ठीक है, ये 25 से कटेंगे 25 × 50 और 25 × 1 = 25 21 बार, ठीक है, 21 से 210 कितनी बार कटेंगे 10 बार, 10 को 4 से गुणा करेंगे कितना प्रतिशत जोड़ना पड़ेगा, 40% जोड़ना पड़ेगा, तो हमारे पास कितना आएगा 725 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, जब भी हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं, तो 63 × 5/18, और यदि मीटर प्रति सेकंड दिया गया है और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं 18/5 यानी इसका उल्टा करते हैं। अब यहाँ पर हम सरल करेंगे, किस प्रकार करेंगे, 9 से कितनी बार कट रहा है 63, 9 × 7 = 63 होता है, ठीक है, और 9 × 18 होते हैं, ठीक है, तो 7 × 5/2, 7 को 5 से गुणा करेंगे 5 × 7 = 35 होते हैं, 2 होते हैं, 35 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 17 × 34 और 17.5 बार जाएगा, ठीक है, 17.5 मीटर प्रति सेकंड आएगी इसकी चाल, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर भी। एक कैंटीन को प्रतिदिन 14 दर्जन अंडों की आवश्यकता होती है, तो बताओ 7 सप्ताह में कितने अंडों की आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ पर पहले दिया गया 14 दर्जन, तो एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं 12 अंडे होते हैं, तो 14 दर्जन में कितने होंगे 14 × 12, ठीक है, ये एक दिन की है। अब ये पूछ रहा है कि 7 सप्ताह यानी 7 सप्ताह, तो एक सप्ते में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं, तो इसमें भी 7 से गुणा करो, अब इसे सरल कर लो और उत्तर आ जाएगा आपका, 14 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14 को 12 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 16, 168 आएगा, 168 को 7 से गुणा किया कितना आएगा, 168 को 7 से गुणा करेगा तो आएगा आपका 8, 8 × 56, 6 × 42 और 5 × 47 और 7 × 4 = 11, 1176 को आगे वाले इस 7 से गुणा करेंगे कितने आएंगे, 6 × 42 7 × 49 49 और 4 कितने होते हैं 53, 7 × 5 = 12, 7 × 1 = 8 कितने आएंगे, 8232 अंडों की आवश्यकता होगी 7 सप्ताह में, 8232, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। एक व्यक्ति 8% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए कुछ रुपए उधार लिए और उसने ब्याज के रूप में 7384 चुकाए, तो कुल कितने रुपए चुकाए। देखिए यहाँ पर हमारे पास ब्याज दिया गया है, ठीक है, दर दी गई है, समय दिया गया है, परंतु मूलधन नहीं दिया गया और मिश्रधन पूछा गया, ठीक है, तो या तो हम ये कर सकते हैं कि पहले मूलधन निकाले और फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे हम
फिर उसका मिश्र दंत निकालेंगे, या हम सीधा मिश्र दंत निकाल सकते हैं। सीधा किस प्रकार, मान लो हमारे पास कितना है मूलधन, मान लिया हमारे पास 100 रुपये, ठीक है। यदि 100 रुपये मूलधन है तो ब्याज कितना हो गया, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे क्या करेंगे 100 से 100 कैंसिल, तो ब्याज कितना आ जाएगा 32 रुपये आ जाएगी। मूलधन 100 रुपये है तो ब्याज 32 रुपये है, और मिश्रधन कितना आ जाएगा, 100 में ब्याज जोड़ेंगे मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे, मिश्रधन आ जाएगा 132। तो यदि ब्याज दिया गया 32 रुपये तो ये हो जाएगा आपका 132। तो अब यदि हमारे पास ब्याज दिया गया है कि 7384, तो मिश्रधन कितना हो गया, 132 मिश्रधन है तो ब्याज है 32। यदि 7384 मिश्रधन है तो ब्याज कितना होगा, तो 7300 यदि हमारे पास है ये ब्याज, 7384 ब्याज है, तो मिश्रधन कितना होगा, 7384/32 इंटू पहले कितना था, यदि 32 पर कितना था, 132 था, ठीक है। अब इन्हें काट कर सरल कर सकते हैं। सरल किस प्रकार करेंगे, सरल करेंगे हम, ये 4 से कटेगा 8 बार, और ये 4 से कट रहा है आपका कितनी बार कटेगा, 4 × 3 = 12 और 4 × 3 = 12 33 बार, ठीक है। अब इसे भी काट सकते हैं, 8 से कितनी बार काटेंगे, 9 × 8 = 72, 1 बचेगा 8 बचेगा 2 बार जाएगा, 2 बचेगा 4 बचेगा, 923 बार कट रहा है ये 8, तो हमारे पास संख्या कौन सी आ गई, 923 × 33। अब इन्हें गुणा करवा लेते हैं, 923 को गुणा करवाना, किससे गुणा करवाना, 33 से गुणा करवाना है। 33 × 3 कितने होते हैं, 99 के 9 होंगे, हासिल कितनी आएगी, हासिल आएगी आपकी 9 ही हासिल आएगी, 33 × 3 = 66, 66 और 9 कितने होते हैं, 73 73 के 3 होंगे, सॉरी 66 और 9 होते हैं आपके 75, 66 और 9 75 हो जाएंगे, और एक मिनट कितने आए, 923 को गुणा करवाना हमें 33 से, ठीक है। 33 × 3 = 99 होते हैं, हासिल 9 आएगी, 33 × 66 और 9 कितने होते हैं, 75 होते हैं, हासिल कितनी आएगी, 7 आएगी, और 33 × 9 कितने होते हैं, 33 को 9 से गुणा करेंगे, 33 × 9 होते हैं आपके 297 होंगे, 297, और 297 में हमें क्या जोड़ना, 7 जोड़ना है, तो कितने आ जाएंगे, 297 और 7 आ जाएंगे 304, तो उत्तर आ जाएगा 304, तो कितने आएगा, 30,459 कुल मिश्रधन के रूप में चुकाएंगे हम। यदि ब्याज आपका 7384 रुपये है तो 30,459 ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका गुणनखंड नहीं बनाया जा सकता, हमें वो संख्या देखनी है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्योंकि हम गुणनखंड किस प्रकार बनाते हैं, टुकड़े कर करके बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है 3x² - 14x - 8, तो हम किस प्रकार टुकड़े करते हैं, कि इस प्रकार बी के टुकड़े करें जिसे जोड़े या घटाए तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए, और गुणा या भाग करें, माइनस के 14 आना चाहिए, गुणा या भाग करें तो 8 और -3 का गुणनफल यानी -24 आने चाहिए, तो इसके टुकड़े 2 होंगे, किस प्रकार हो सकते हैं, या तो -12 और -2, ठीक है, -12 और -2 कितने आते हैं, -14 आते हैं, परंतु इन्हें गुणा करने पर क्या आएगा, 12 × 24 और माइनस क्या हो जाएंगे, गुणा करने पर प्लस हो जाएंगे, तो +24 आएंगे। तो यहाँ पर तो दिया गया कि माइनस का आना चाहिए, यहाँ पर आ रहा प्लस का, तो इसे एक बार छोड़ते हैं, इसका गुणनखंड तो नहीं किया जा सकता, परंतु आगे वाली संख्याओं को भी देखते, आगे वाले में क्या कह रहा है कि यदि जोड़े या घटाए तो -14 आना चाहिए, परंतु गुणा या भाग करने पर ये दोनों प्लस के हैं तो +24 आना चाहिए, तो ये सही है, इसका तो किया जा सकता है, क्योंकि अभी देख के हमने -12 और -2 कितने होते हैं, गुणा करेंगे तो -24 हो जाएंगे। 3x² - 10x - 8 इसे देखते देखिए, 3x² - 10x - 8, अब यहाँ पर 10 के टुकड़े करने हैं जिसे जोड़े या घटाए तो -10 आने चाहिए, और गुणा या भाग करें तो कितने आने चाहिए, -24 आने चाहिए, तो इस प्रकार किस प्रकार, 8 और 2 तो 16 ही हो जाते हैं गुणा करने पर, तो हम क्या करते हैं, 12 में से 2 को घटा देंगे, -2 और +12, ठीक है,
माइनस के 12 में से प्लस के 2 घटेंगे कितने बचेंगे, माइनस के 10 बचेंगे क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, और गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 12 को 2 से गुणा करेंगे 24 आ जाएगा, और एक माइनस और एक प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ऑप्शन नंबर सॉरी यह भी राइट हो सकता है, माइनस के 24 आ सकता है, तो इसके भी गुणनखंड किए जा सकते हैं, इसके भी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया गया कि प्लस के 10 आने चाहिए और गुणा या भाग करें तो यह भी माइनस का आना चाहिए, ठीक है। तो प्लस के 10 के लिए हम क्या करेंगे, इसे प्लस का कर देंगे और इसे माइनस का कर देंगे, छोटी संख्या माइनस की बड़ी संख्या प्लस की, तो ये 10 कितने आ जाएंगे, प्लस के आ जाएंगे, 12 में से 2 घटाएंगे तो गुणा करेंगे तो वही माइनस का आएगा, क्योंकि एक तो माइनस का एक प्लस का, तो इसके भी किए जा सकते हैं, परंतु ए वाले के नहीं किए जा सकते, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। 400 आमों का क्रय मूल्य 320 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। इस प्रकार की स्थिति में हमें क्या करना है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य क्या होता है, परचेज वैल्यू होते हैं, परचेज वैल्यू कितनी है, 400 है, ठीक है, 400 क्या है, परचेज वैल्यू है, ठीक है, परचेज वैल्यू 400 है, बराबर सेल्स वैल्यू दी गई है 320, ठीक है, सेल्स वैल्यू है। अब इन्हें इनके अनुपात किस प्रकार निकालेंगे, परचेज वैल्यू बटे सेल्स वैल्यू, ठीक है, यह इधर आ जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 320 बटे ये इधर आएगा कितना हो जाएगा, 400। अब इन्हें सरल कर सकते हैं, जीरो से जीरो काट लेंगे, ये 8 से 4 बार और ये 8 से 5 बार, ठीक है, तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा, परचेज वैल्यू और अनुपात सेल्स वैल्यू अनुपात कितना आ जाएगा, 4:5। अब हम क्या करते हैं कि लाभ हो या हानि हो हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, तो लाभ कितना हो रहा है, यहाँ अनुपातों में कितना लाभ हो रहा है, अनुपातों में लाभ हो रहा है एक का, इसका अनुपात 5 है, इसका 4 है, तो एक का लाभ हो रहा है, तो एक बटे क्रय मूल्य का अनुपात कितना, परचेज वैल्यू का 4 इंटू करेंगे हम 100 से, ठीक है, 4 से 100 को कितनी बार काटेंगे, 25 बार, 25 से कम 25, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा, 25%, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर, 25% का लाभ होगा। 10 वर्ष पूर्व एक की माँ ए अपनी माँ से 4 गुना बड़ी थी, 10 वर्ष बाद उसकी माँ ए से 2 गुना बड़ी रहेगी, तो ए की वर्तमान आयु क्या, वह क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पहले तो एक की आयु थी, मान लो एक थी, तो उसकी माँ की आयु कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, यही अनुपात आएगा इसका, और 10 वर्ष बाद यदि एक की आयु एक है तो माँ की आयु 2 होनी चाहिए, दुगुनी है। अब हम क्या करेंगे, पहला अनुपात आएगा 1:4, दूसरा आएगा 1:2, तो हमें क्या करना है, इन्हें वज्र गुणा करवा देना, ठीक है, 2:1, 2, 4:4, नया अनुपात क्या आ गया, 2:4, ठीक है, जिसे हम 1:2 ही बोलेंगे, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनका अंतर देखना, ठीक है, पहले क्या दिया गया, नए अनुपात का अंतर कितना दिया गया, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बच रहा है, 1, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बच रहा है, 2, तो नए अनुपातों का अंतर बटे वज्र गुणा का अंतर इंटू कितने वर्षों का अंतर है, एक तो 10 वर्ष पहले दी गई है और एक 10 वर्ष बाद दी गई है, कितने वर्षों का हो गया, 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, तो कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, 10 और 10 कितनी हो जाएंगी, 20, तो इनका मान कितना, वैल्यू कितनी आ रही है, अनुपातों की 2 से 20 कितनी बार घटेगा, 10 आ रहे, अनुपातों की वैल्यू 10 आ रही है, तो इससे क्या करेंगे हम, पूर्व की आयु से गणना करेंगे, तो यहाँ पर एक का मान कितना हो जाएगा, 1:10 हो जाएगा, और 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 का मान हो जाएगा 40, तो 10 वर्ष पूर्व एक की आयु 10 वर्ष थी और उसकी माँ की आयु 40 वर्ष थी, ठीक है, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु एक की आयु 20 वर्ष हो जाएगी, माँ की 50 वर्ष हो जाएगी, 10 वर्ष बाद एक की आयु 30 वर्ष हो जाएगी और माँ की 60 वर्ष हो जाएगी, देखिए ये 4 गुना है, ये 2 गुना है, कोई फर्क नहीं, ठीक है, तो वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु इसकी 20 वर्ष है और यदि माँ की पूछता तो 50 वर्ष होती, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। 24 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं तो उसी काम को 32 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, 24 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा करता है तो एक आदमी को कितना समय लगेगा, 24:40, ठीक है, तो 32 आदमियों को कितना समय लगेगा, 32 का भाग देंगे, 8 से कितनी बार कट रहा है, 8 से 3 बार कट रहा है, 8 से 4 बार कट रहा है, 4 से 40 कितनी बार कट रहे, 5 बार, सॉरी 4 से 40 10 बार कट रहे, ठीक है, 10 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30, तो 30 आदमियों की आवश्यकता होती है 32 दिनों में काम करवाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। एक वर्ष की परिधि 44 मीटर है तो इसके चौथे हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है,
अर्थ की परिधि है तो हमें क्या करना, तिरजे ज्ञात करना। वर्थ की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr बराबर दिया गया है 44, 2 से 44 कटेंगे 22 बार, तो पाई आर बराबर दिया गया है 22, तो 22 बट्टे 7 इंटू आर बराबर दिया गया है 22, ठीक है। तो ये आर के इस और 22 गुणा में पक्षांतरण करेंगे क्या हो जाएगा, 22 बट्टे 22 सात भाग में है तो गुणा में, ठीक है, 22 से 22 कैंसिल, तो कितने बच के आर का मान आ जाएगा 7, त्रिज्या आई हमारे पास 7, तो चौथे हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो वर्थ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई 22 बट्टे 7, आर का मान है 7 इंटू 7, चौथा हिस्सा है तो इसका 1/4 कर लेंगे, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 से 22 को 11 बार और 2 से 4 को कितनी बार काटेंगे, 2 बार, ठीक है। 11 सत्ते कितने होते हैं, 77, 77/2, 77 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 38.5, 38.5 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर, इसके चौथे हिस्से का क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। 4/8, 7/8, 4/9 का गुणनफल क्या होगा, ठीक है, देखिए 4/8 दिया गया है इंटू दिया गया है 7/8, गुणा करवाना है इंटू दिया गया है 4/9, तो 4 से 1 बार और 4 से 2 बार, ठीक है, 4 से 1 बार और 4 से 2 बार। अब हमें क्या करना है, ऊपर कितना बच गया है, 7 एकम 7, 7 एकम 7 ऊपर बच गया हमारे पास 7, बट्टे कितना बच गया, 2 दुणे कितने होते हैं 4 और 9 चौके 36, तो 7/36 जिस ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आकृति दी गई है और उसमें यह कहा गया है कि कोण ए ओ आर, यानी ए ओ आर कौन सा हो गया, ये ए ओ और आर ये कोण, और बी ओ आर ये बी ओ आर ये कोण एक सरल रेखा पर है, ठीक है, एक सरल रेखा पर है, और सरल रेखा पर बनने वाले कोण क्या होते हैं, हमेशा 180 डिग्री का होता है, ठीक है। यदि ए माइनस बी बराबर 80 डिग्री है, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया ए माइनस बी बराबर दिया गया 80 डिग्री, तो ए और बी का मान ज्ञात करना, ए माइनस बी बराबर 80 डिग्री है और ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा हमारे पास एक सरल रेखा पर बनने वाले कोण कितने होते हैं, हमेशा 180 डिग्री होते हैं, तो ए प्लस बी हो जाएगा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं, ए और ए कितने हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे, ये माइनस का और ये प्लस का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 80 और 180 कितने हो जाएंगे, 80 और 180 हो जाएंगे आपके 260, ठीक है। 2a बराबर 260 है तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 इस और क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, ठीक है, कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 3 दुणे 6, 130, तो a का मान आएगा हमारे पास 130 डिग्री, तो b का कितना आ जाएगा, दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 में से 130 घटाएंगे कितना बचेगा, 50 डिग्री, तो 130 डिग्री और 50 डिग्री जिस ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 130 डिग्री और 50 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। उस लंबे से लंबे बांस की लंबाई ज्ञात करें जो एक कमरे में रखा जा सकता है जिसकी माप 12x9x8 मीटर है, ठीक है। जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है तो कमरा घनाभाकार है, निश्चित है, और घनाभ का क्या हो सकता, लंबे से लंबा बांस क्या हो सकता, मान लो ये एक कमरा है तो इसमें सबसे लंबा बांस कौन सा होगा, इस कोने से लेकर इस कोने तक हो सकता है या फिर इस कोने से, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके घनाभ के विकर्ण, तो घनाभ के विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है रूट करना है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस के ऊंचाई स्क्वायर, ठीक है, और इनका योग करके इसका वर्गमूल निकालना, ठीक है। तो लंबाई कितनी दी गई है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस के 8 का स्क्वायर 64, और ये क्या है रूट में 144 81 64, ठीक है। अब इन्हें जोड़ते हैं, पहली इकाई का अंक 4 और 1 5, 5 और 4 कितने होते हैं 9, 4 और 8 12, 12 और 6 कितने होते हैं 12 और 6 हो जाएंगे 18, 18 के 8 हासिल कितनी आएगी 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा रूट 289, और 289 किसका वर्गमूल है, सॉरी वर्ग है, तो 289 आपका 17 का वर्ग है, 17 का वर्ग कितना होता है 289 होता है, तो बांस की लंबाई कितनी होगी 17 मीटर होगी, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है हमेशा √3/2, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, √3/2 होता है साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 और कोस 30 का मान,
तो दोस्तों ये थे मैथ के 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रीजनिंग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया। एक सीरीज दी गई है जिसमें कुछ निश्चित अंतराल दिया गया है और आगे का अंक पूछा है। तो यहाँ पर 5, 11, 23, 21 या 65, तो यहाँ पर कितने का अंतर, यहाँ पर 5 और 11 में 6 का अंतर, 6 और 5 11। फिर आगे वाले में 11 और 23 में है 12 का अंतर, ठीक है। फिर आगे वाले में कितने का अंतर है, 41 में से ये घटाएंगे तो कितना बच रहा, 18 बच रहा। फिर 65 में से 41 घटाएंगे 24 बच रहा। तो ये देखिए एक 6 का पहाड़ा हो गया, 6, 12, 18, 24। तो आगे 65 में कितने जोड़ने हैं हमें, 30 जोड़ने, 30 का अंतर होता है। 65 और 30 कितने होते हैं, 65 और 30 होते हैं 95। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, आगे कौन सा अंक आएगा, 95 आएगा। एक लड़का अपनी माँ को ढूंढते हुए पूर्व दिशा में 5 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर जाता है, फिर 5 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर जाता है, तो वह समय वह लड़का अपने मूल स्थान से कहाँ पर है। देखिए हमारे पास वही दिशा होती है, ये उत्तर होती है, ये दक्षिण होती है, ये पूर्व और ये पश्चिम, ठीक है। इस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि एक लड़का अपनी माँ को ढूंढते हुए 5 मीटर पूर्व दिशा में जाता। मान लो ये लड़का यहाँ से रवाना हुआ और ये 5 मीटर पूर्व दिशा में चला यहाँ तक, फिर ये लड़का दक्षिण पश्चिम यानी ये दक्षिण और ये पश्चिम यानी इस दिशा में मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, यानी इस दिशा में मुड़कर ये 5 मीटर चलता है। इतना ही आएगा, बराबर तो आएगा नहीं क्योंकि तिरछा होगा। फिर यह लड़का उत्तर पश्चिम, यह उत्तर और यह पश्चिम इस दिशा में मुड़ता है और 5 मीटर इधर से चलेगा और ये इधर 5 मीटर यहाँ तक चलेगा। तो इस समय वह लड़का मूल स्थान से क्या है, यह मूल स्थान था और यह लड़का यहाँ घूम के यहाँ यहीं पे वापस आ गया। तो कहाँ पर है, यह मूल स्थान पर ही है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यह लड़का अपने मूल स्थान पर ही है। विषम शब्द चुनिए, पेन, स्याही, ब्रश, रंग, चित्रांकनी, चार्ट या पेंसिल लेड। तो पेन में किसका यूज होता है, स्याही का यूज होता है, ब्रश में किसका यूज होता है, रंग का यूज होता है, और पेंसिल में लेड का यूज होता है। परंतु चित्रांकनी में चार्ट, चित्रांकन किस पर किया जाता है, चार्ट पर किया जाता है, चित्रांकनी में चार्ट का यूज नहीं किया होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सी इनमें से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक शब्द दिया गया और आगे वाला शब्द पूछा गया, एक शब्द की कोडिंग भाषा दी गई। सी ई आई एम को लिखा गया, डी जी एल क्यू को, तो एफ जी आई ओ को किस प्रकार, देखिए यहाँ पर सी है, सी में सी कितने पर, 3 पर, आगे वाला डी 4 पर, तो प्लस के 1 ऐड किया गया। नेक्स्ट क्या है, ई के बाद में क्या आ जाएगा, एफ और जी, दो ऐड किए गए, ठीक है। ई 5 पर है और जी 7 पर है, आई 9 पर है और जे के एल 12 पर है, ठीक है, तो प्लस के 3 ऐड किए गए। एम कितने पर है, एम 13 पर है और क्यू 17 पर है, तो कितने ऐड किए गए, प्लस के 4, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इस प्रकार ऐड करने हैं। तो नेक्स्ट में क्या है, एफ है, एफ 6 पे है, तो 7 पे क्या आएगा, जी आएगा, ठीक है। फिर 2 ऐड करने, जी 7 पे है तो 9 पे क्या आएगा, आई आएगा, ठीक है। फिर क्या दिया, आई 9 पे है, 3 ऐड करने, 9 और 3 12 पे क्या आएगा, एल आएगा। ओ 15 पे है, 15 और 4 कितने होते हैं, 19 पे क्या आएगा, एस आएगा। तो जी आई एल एस, जी आई एल एस जिस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जी आई एल एस। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है, विषम संख्या युग्म को चुनना, ठीक है। 34 को 43 लिखा गया, 57 को 75, 12 को 21 और 15 को 41, दिया गया 34 है 43 है। यहाँ पर क्या किया गया, अंकों की बदली, ये 4 पहले लिख दिया और ये 3 बाद में, ठीक है। यहीं पे यही किया गया, 57 को 75, 7 पहले लिखा और 5 बाद में, 12 में 2 पहले लिख दिया और 1 बाद में लिख दिया। तो इनमें क्या किया गया, अंकों को बदला गया, परंतु यहाँ पर दिया गया 15 और 41 में कोई मेल नहीं है, तो यह एक अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये थे 24वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 25वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन और यह सीरीज इसी प्रकार पूरे 50 पेपर शेयर तक चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो के PDF और अन्य प्रकार के नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।